कांग्रेस लगातार नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। मोदी सरकार का देश नहीं बिकने दूंगा का नारा झूठा साबित हुआ है और आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के द्वारा खड़े किए गए उपक्रमों को निजी हाथों में देकर देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शिमला में कही। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दिया, जो झूठा साबित हुआ है। एनएमपी के तहत जो भी कांग्रेस ने 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसे मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में बेच रही है। वहीं रागिनी ने सेब के दामों में आई गिरावट पर कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी असफलता है। कुछ दिनों से ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हो रही है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ग्रेट इंडियन सेल है, क्लियरेंस सेल है। यानी कि 70 साल में भारत के निर्माताओं ने, भारत के जननायकों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग करते हुए जो भी पूंजी अर्पित की, जो भी संपत्ति बनाई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसे 30 से 50 साल तक के लिए एक प्राइवेट एंटिटी या थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा। और मुझे ये बताने या कहने की जरूरत नहीं है कि ये 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति कौन हैं जिनकी जेबें भरने का काम लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कि 3 काले कानून बाद में बनते हैं, पहले अडानी जी के वेयर हाउस बन जाते हैं, गोदाम बन जाते हैं। तो मोदी जी बता देते हैं कान में फुसफुसाकर कि ये हम करने वाले हैं, इससे पहले तैयारी आप कर लीजिए, सब कुछ आप ही के पास जाना है। ऐसी ही कवायद यहां पर दोबारा से शुरू हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया किराए के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी कि हर जब ये संपत्ति बिकेंगी सारी, तो हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया जाएगा किराए के रूप में। 60 लाख करोड़ की संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति 50 साल के लिए आप दे देंगे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और हाथ में पकड़े रहेंगे एक कागज और कहेंगे ये देखिए कागज लहरा रहे हैं, ओनरशिप हमारे पास है, जिसका कोई मायना नहीं है। 50 साल तक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यूजेज, मेंटेनेंस, हर तरीके से जुड़ा हुआ हर निर्णय जो है वो प्राइवेट एंटिटी, थर्ड पार्टी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको दिया जाएगा वही लेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।